स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक में। आज हम फिर आप लोगों को एक नया टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोग कैसे हो, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम एक स्टेट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में क्या उसकी खासियत है, उसको क्यों इतना पसंद किया जाता है, उसमें सबसे पहले कौन आया था, सब कुछ हम इसी के बारे में बात करेंगे। वह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एक स्टेट आप लोग का उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे यहाँ पर हम आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे केरल के बारे में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केरल के बारे में। हो सकता है इतनी अच्छी राइटिंग ना हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा। बात करें यहाँ केरल के बारे में, तो सबसे पहले इसका आ जाता है कि इसका कैपिटल क्या है, यानी कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और अब बात आ जाती है इसमें टोटल जिले कितने हैं। तो यहाँ पर इसमें टोटल जिले हम यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं। यहाँ पर 14 जिले हैं इसमें है। अब ये बसा कहाँ पर है, तो चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इतना आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक स्टेट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर केरल की बात करें तो आप लोग को हमने बता दिया है कि इसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और इसमें टोटल कितने जिले हैं, 14 जिले हैं। और यह बसा कहाँ पर है, तो बात करते हैं, यह दक्षिणी से पश्चिमी में इस बसा हुआ है भारत में एक ऐसा स्टेट। और इसको जानते इसलिए सबसे ज्यादा है कि यहाँ पर मसालों की खेती की जाती है, यानी कि केरल में मसालों की खेती की जाती है। और इस यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था बात हो जाती है। चलिए थोड़ा इसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें सबसे पहले कौन आया था। यहाँ पर सबसे पहले अरबी और यहूदी आए थे, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अरबी और यहूदी आए थे। यहाँ पर वास्को डिगामा भी आए थे।